नमस्कार हरी, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल क्लास के अंदर। जैसा कि आपको आवाज से लग रहा है कि भैया जोश, जुनून, आत्मविश्वास बहुत भरा पड़ा है और आज अगले 2 घंटे के अंदर जो है ना उसको बाहर निकालेंगे। 2 बैरक की बैंड बजाएंगे। कितने? 2 बैरक। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जहां पर हमारे सामने 8 चैप्टर्स होंगे, 44 सेक्शंस होंगे, उनका 1 by 1 पोस्टमार्टम करना है, नंबर एक। और वही दूसरी तरफ हमारे सामने क्या होगा, दूसरी तरफ होगा डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। तैयार हो या नहीं हो, ध्यान रखना अगले 2 घंटे तक कहीं पर भी एक पलक भी नहीं झपकानी है। खासकर राजस्थान जुडिशरी की तैयारी करने वाले सारे कैंडिडेट, स्पेशली कह रहा हूं, थम्सअप पाना चाहिए सबकी तरफ से। अगर जो कैंडिडेट थम्सअप नहीं कर रहा है, इसका मतलब यार जबरदस्ती बैठा है क्या क्लास में? नहीं, पूरी एनर्जी के साथ जितने कैंडिडेट है सबके सबके द्वारा थम्सअप तो होना ही चाहिए, लगना चाहिए यार, एक अलग सा माहौल बनाए। डर डर के तो नहीं जिएंगे। 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिनों के अंदर एक बेमिसाल तैयारी करनी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ओके, कितने कैंडिडेट्स हैं अभी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे को फटाफट बता दीजिए। यहाँ पर लगभग आज तो है ना बंडा फोड़ेंगे, बहुत लंबा दूर तक जाना है, ठीक है? चलिए, नाउ देखिए ऐसा है, एक एक बात को अच्छे से सुनना, अच्छे से फील करना, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आज की क्लास में से कहीं ना कहीं सवाल एग्जाम में टपकेगा, क्योंकि हम आज लगभग हर एक पार्ट को कवर करने की कोशिश है जो करने वाला है। क्लियर है? हर पार्ट को जो हमें क्या करना है, 1 by 1 टच करना है। सो बी रेडी। और साथ ही साथ में अभी आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको लग रहा है कि आज की क्लास से मजा आ रहा है तो उसको क्लास को शेयर कर दे, आपका मन करे तब करना, जबरदस्ती नहीं, ठीक है? नाउ देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं यहां पर आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, ये एक्चुअल में एक्ट थोड़ा ही इसीलिए गया है ताकि हम यहां से बोनस नंबर अचीव कर सके। कैसे? देखिए, इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजन है, क्या क्या उन्होंने सिंपली उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक स्पेसिफिक रिलीफ हो गया और दूसरा प्रिवेंटिंग रिलीफ हो गया, ठीक है? अच्छा भाई, वॉइस और वीडियो परफेक्ट है ना? अगर कोई कैंडिडेट बीच में कहता है कि वॉइस खराब है, वीडियो खराब है, और आपको अच्छे से वॉइस और वीडियो आ रही है, तो उसको अगर आप कह देना, क्या कह देना कि भैया सब कुछ क्लियर है, एक बार वापस रीइंस्टॉल मार ले, सब कुछ सही हो जाएगा, ताकि जो क्लास है ना वो बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। क्या होता है, ध्यान थोड़ा भटक जाता है। बाकी लिंकिंग 10 से कोड से ज्वाइन करवाना, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। नाउ देखो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर चैप्टर 8 और टोटल मिला के 44 सेक्शन, जिसमें 2 सेक्शन वैसे भी डिलीट हो रखे हैं, और बाकी के जो 42 सेक्शन हैं उनको हम मेजरली मोटा मोटी रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे सामने स्पेसिफिक रिलीफ आएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ ना एकदम आंखें बंद करके दिमाग के अंदर छपनी चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर हमारे पास में जो कैटेगरी आती है वो कौन कौन सी आती है कि पोजिशन को रिकवर करना, पोजिशन को रिकवर करना, कब्जे का प्रत्युद्धरण करना, नंबर एक। दूसरा होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना। देखो, हम लोग इस एक्ट को जनरली क्या नाम से जानते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने वाला एक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो इसका एक हथियार है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा और भी कई सारे हथियार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से रिकवरी करवाना नंबर एक, दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला हो गया, तीसरा आपके रेक्टिफिकेशन वाला हो गया, चौथा आपके कॉन्ट्रैक्ट का रेसिनेशन यानी विखंडन करना, पांचवा इंस्ट्रूमेंट का कैंसिलेशन करना, और लास्ट में डिक्लेरेटरी डिक्री करना। तो ये तो सारे स्पेसिफिक रिलीफ है। पहला सवाल एग्जाम में जो आपसे बन सकता है कि भाई कितने तरह के स्पेसिफिक रिलीफ है, ध्यान से मेरी बात को याद रखना कि जो आपका पार्ट टू है ना, आपके इस चैप्टर को, इस एक्ट को इन्होंने अलग अलग पार्ट के अंदर भी डिवाइड कर रखा है। तो जो हमारा पार्ट टू है उसमें कितने तरह के स्पेसिफिक रिलीफ होंगे, नंबर वन रिकवरी, दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तीसरा हमारे पास में रेक्टिफिकेशन, चौथा हमारे पास में रेसेशन का वाला प्रावधान, उसके बाद में कैंसिलेशन, उसके बाद में डिक्लेयर डिक्री। तो एक तो ये याद रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर करके हमारे पास में 6 है, और ये 6 स्पेसिफिक रिलीफ 6 चैप्टर में डिवाइड हो रखे हैं। यानी कि ये आपका चैप्टर 1 है, ये आपका चैप्टर 2 है, ये आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ठीक? अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस का रिवीजन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, और लिंक को क्लिक करने से पहले आपके मोबाइल में अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल हो ये एश्योर जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते समय आपको लिंकिंग 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है ताकि इस लॉक्ड क्लास को आप अनलॉक कर सकें। इट विल बी फ्रीली अवेलेबल। ये एक स्पेशल क्लास है जो बिना किसी कॉस्ट के आपको अवेलेबल हो जाएगी अनअकैडमी ऐप पर। एक बात का आप और ध्यान रखें, जब भी आप कोई जुडिशरी का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं
तो उस केस के अंदर आप लिंकिंग 10 कोड इस्तेमाल करेंगे तो 10% ऑफ हो जाएगा, और साथ ही साथ में लिंकिंग लॉस के चैनल के साथ में कई प्रिविलेज जो है वो आपको स्पेशली अवेलेबल होगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी लिंकिंग लॉस। सेक्शन 19 का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, रेजिडेंस ऑर्डर कैन नॉट बी पास अगेंस्ट विमन। अगर कोई ननद, अगर सासुमा, अगर बड़ी भाभी, अगर छोटी भाभी, अगर कोई भी एबीसीडी जो भी महिला है ना, सबके नाम याद करने थोड़ा ना बैठे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसके खिलाफ रेजिडेंस ऑर्डर पास नहीं कर सकते। मतलब आप उसको इस तरीके से जो है साइड में नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आखिर एक महिला ठहरी, तो महिला का ऑर्डर जो है महिला के खिलाफ में नहीं हो सकता। ये बात यहां पर हमारे सामने हमें ध्यान में है जो रखना है, ठीक है। हाँ जी, कोई नहीं निकाला जाएगा, बिल्कुल नेहा जी, कोई नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सब ठीक है। मॉनिटरी ऑर्डर, हाँ एक और पॉइंट याद रखो, लगे आप सेक्शन 20 पे आओ, यहाँ पर से भी सवाल बनता है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ जहां पे सवाल बन रहा है वो पॉइंट, ये जो मॉनिटरी रिलीफ है इसके अंदर मॉनिटरी रिलीफ किस किस चीज के लिए दिया जा सकता है, तो आपको नीचे ए बी सी डी चार पॉइंट दे रखे, ये पॉइंट देख लो। लॉस ऑफ अर्निंग, जो आपके अर्जनी का लॉस हुआ है वो आपको मिल सकता है, मेडिकल एक्सपेंसिस मिल सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉपर्टी रिमूव करने से नुकसान हुआ है तो वो मिल सकता है, और मेंटेनेंस मिल सकता है, चार बातें। तो ये ध्यान रखना मॉनेटरी रिलीफ के अंदर ये जो चार पॉइंट है अच्छे से नोट कर लेना, ए बी सी डी। आपके लॉस का अर्निंग लॉस हो जाएगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट है उसका खर्चा हो जाएगा, या फिर मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस 125 के अतिरिक्त होगा, ध्यान रखना 125 सीआरपीसी के अतिरिक्त है जो होगा, ये बात भी वहां पर एप्लीकेबल होती है ना। बिल्कुल माही जी, इट्स नॉट एग्जॉस्टिव, आई एम नॉट सेइंग इट्स एग्जॉस्टिव, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है ना उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करने में हमको थोड़ी आसानी है जो मिलती है, ठीक है। नाउ बाकी सारे पॉइंट बकवास है, उन सबको दिमाग हटा दो, कस्टडी ऑर्डर में भी छोड़ो, उसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना। ये बाकी के पॉइंट में तो खाली सेक्शन सेक्शन पढ़ना, बाकी के पॉइंट में सेक्शन वेक्शन पढ़ना और कुछ नहीं है। 23 को भी सेक्शन पढ़ के छोड़ दो, कोर्ट फी जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी उपलब्ध कराएंगे इसको भी छोड़ो। ये पॉइंट अच्छा पॉइंट 25 का सबसेक्शन 1, वेरी पॉइंट, एक बढ़िया, वेरी बढ़िया क्या होता है यार, वेरी गुड बोलो या सबसे बढ़िया बोलो, अरे निकल जाता है फीलिंग, फीलिंग में फ्लो फ्लो में कई बार कुछ चीजें निकल जाती है, वेरी बढ़िया। तो सेक्शन 25 का जो 1 है वो बड़ा शानदार है, ध्यान से देखो। हेलो, किसने कहा नींद आ रही है, मेरे को कोई नींद नींद नहीं आ रही, ध्यान रखना, कहना मत खबरदार ठंडा पानी गिरा दूंगा। देखो 25-1 के अंदर ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, वो डायलॉग इसका था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पता नहीं, लेकिन ये बात यहाँ पर अप्लाई करनी है। 25 का 1, मुस्कुराओ और इस पॉइंट को याद रखो। देखो दबाव के अंदर कोई पॉइंट लंबा नहीं चल सकता, इसलिए कई बार मैं आपको मुस्कुराते हुए चीजें कहता हूँ, उसको अच्छे से नोट कर लेना। देखो 25 के 1 के अंदर कि कोई भी ऑर्डर अगर पास कर दिया सेक्शन 18 का, उसकी वैलिडिटी कितनी है, ध्यान रखना। जैसे नहीं होता है वारंट, जब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, जब तक कैंसिल नहीं किया जाएगा तब तक वैलिड रहेगा, ठीक उसी तरीके से क्या होगा, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जब तक एग्रीड पर्सन डिस्चार्ज नहीं करवा दे, जब तक एग्रीड पर्सन डिस्चार्ज नहीं करवा दे तब तक वैलिड रहता है। क्या लैंग्वेज पढ़ के सुनाऊं, क्या सुन लो, अ प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18 शैल बी इनफोर्स टिल द एग्रीड पर्सन अप्लाइड फॉर डिस्चार्ज। अब यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा कि मान लो इस तरह से कोर्ट की मर्जी है तो क्या होगा, जरा इसके बाद में दूसरा पॉइंट भी पढ़ लीजिए, है ना। इफ द मजिस्ट्रेट, यही अंतिमा जी का डायलॉग है ना, मैं इसको बाद थोड़ी देर बोल के बाद बताऊंगा ना, काफी अच्छा डायलॉग है, लेकिन अब इस पॉइंट से अपन स्किप कर देंगे। सबसेक्शन 2 पे आओ, इफ द मजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्रीड पर्सन और द रेस्पॉन्ड इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होता है और एग्रीड पर्सन ऐसी एप्लीकेशन लगाए कि साहब परिस्थितियां बदल गई है, तो ऐसे केस में क्या कर सकता है, अल्टरेशन मोडिफिकेशन वगैरह कर सकता है, लेकिन आपका प्रोटेक्शन ऑफर अल्टीमेटली जब तक एग्रीड पर्सन को चाहिए तब तक बना हुआ रहेगा, तब तक जो है क्या है वो बना हुआ रहेगा। अब आपको सेक्शन 18 का कनेक्शन जो है ना सेक्शन 25 से जोड़ना है, लिंक करना है। यहां पर किसी ने किया क्या, यहां पर एक कैंडिडेट ने तो किया था, क्या नाम इनका, नीलू जी, बहुत बढ़िया, 25 को 18 से और 31 दोनों के साथ में कनेक्ट है जो करना है, ओके। चलो अब इसके अंदर 26 बेसिक सी बात है कि भाई आप अदर प्रोसीडिंग के अंदर भी कोई आपको रिलीफ मिल रहा है तो रिलीफ आप ले सकते हो, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आप मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करोगे कि आपको दूसरी जगह पर क्या मिला हुआ है, ऐसा रिलीफ जो है मिला हुआ है, वो आप इन्फॉर्म वहां पर जरूर करोगे। 27 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, 28 डिस्कस कर चुके हैं, 29 डिस्कस कर चुके हैं, 30 के अंदर ये जो मेंबर्स इनको प्रोटेक्शन मिलता है इस केस के अंदर, ठीक है। 31 के अंदर आपके अगर आपने ऐसा कोई ब्रिज किया, अच्छा पता है 31 और 33 में क्या अंतर है,
31 के अंदर तो जो रेस्पोनेंट है उसने प्रोटेक्शन ऑर्डर का या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रिच किया है, तो वहां पर क्या होगा, इस तरीके से उसको 1 साल या 20,000 रुपए का पेनल्टी लग सकता है। दूसरा हमारे सामने बिंदु आता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर वगैरह है, देखो 33 को आप पढ़ोगे ना, पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर उसने अपना काम नहीं किया तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन 9 जो है ना, 8 में प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, हर जिले के लिए करती है, और कोशिश होनी चाहिए कि वो क्या हो, वो अपने आप में एक महिला हो, वो क्या हो, एक वुमन हो, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने 33 के अंदर जो आपका ये संरक्षण अधिकारी जो है, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, ये अपनी सेक्शन 9 की ड्यूटी को फुलफिल नहीं करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, और 33 के अंदर 1 साल का आपके कैद और जो जुर्माना है 20,000 का उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। नाउ बाकी देखो सब मोह माया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। एक 32 का दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो आप याद कर लोगे, कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस है ये, कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस है। एक पॉइंट याद रख लेना, सोल टेस्टिमोनी, सोल टेस्टिमोनी बहुत बढ़िया, किसने लिखा ये, नलिनी जी, शाबाश। सोल टेस्टिमोनी, अगर वो महिला कह रही है, आपको पता है सेक्शन 114A इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, कंसेंट, कंसेंट के संबंध में जो प्रिजम्पशन वाली बात आती है कि प्रिजम्पशन ऑफ नो कंसेंट, महिला ने कह दिया कि कंसेंट नहीं थी रेप करते समय, तो नहीं थी, है ना, ठीक उसी तरीके से यहां पर एक बात आती है, क्या लिखा हुआ है, अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ एग्रीड पर्सन द कोर्ट में कंक्लूड दैट ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 31 हैज बीन कमिटेड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में है जो रखनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 32 है ये कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है, क्या ये सारे ऑर्डर्स पर एप्लीकेबल होता है या सिर्फ सेक्शन 18 के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर एप्लीकेबल होता है, लिंक कर देना आस्था जी, क्या करोगे 114 एविडेंस एक्ट में जाकर लिख देना, रीड विद सेक्शन 32 क्लॉज 2 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, लिंक कर देना वहां पर जाके, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है ना उसके साथ में उसको कनेक्ट कर देना, शाबाश बहुत बढ़िया। चलो मैं इसका यहां पर पोल करता हूं, मुझे बताओ ये जो 32 है वो सारे ऑफेंसेस केस में एप्लीकेबल हो रहा है, यस और नो, फटाफट आंसर दीजिए। और कितने कैंडिडेट आंसर दे रहे ये भी मुझे कमेंट्स में बताओ, कितने कैंडिडेट आंसर दे रहे हैं। रात के 11 बजे हैं, जोधपुर के चतुर्भुज ने भी गुलाब जामुन की दुकान बंद कर दी है, वरना जो बाकी के 50% कैंडिडेट्स है ना उनको गुलाब जामुन जरूर खिलाते। अरे भाई ध्यान से सुनो, चिल्ला चिल्ला के लिखा हुआ है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के तहत जो ऑफेंस हो रहा है, और 31 में कौन सा ऑफेंस हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑर्डर का ऑफेंस हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑर्डर की नॉन कॉम्प्लायंस हो रही है या फिर इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर की नॉन कॉम्प्लायंस हो रही है, तो बेसिकली आप किसको लागू करोगे, बेसिकली आप लागू करोगे प्रोटेक्शन ऑर्डर की नॉन कॉम्प्लायंस को, बाकी के केस में ऑफेंस नहीं है, यहां पर ऑफेंस माना है। ध्यान रखो यार ये एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां, इसको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, और जो सिली मिस्टेक्स है वो बिल्ली मिस्टेक्स बन जाती है एग्जाम के अंदर, और जब रिजल्ट के टाइम में म्याऊ म्याऊ करती है ना तो हालत खराब हो जाती है उसमें, तो ध्यान रखना, नेवर कन्वर्ट योर सिली इनटू बिल्ली एंड लेट हर अलाउड टू डू म्याऊ म्याऊ, इस पॉइंट को याद रख लेना, ये गोल्डन पॉइंट है। किसने कहा था ये मत पूछना, अभी निकला है डायलॉग एंड टू एंड। चलिए तो ये बस बेसिक सी बातें हैं, और तो इसमें कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन गुड फेथ वगैरह बाकी सब मोह माया है इसके अंदर। तो ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस पॉइंट का फंडा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा आपको इसके अंदर। बस इतना चाहता हूं कि ये चीजें है ना एग्जाम टाइम में भूलना मत। वैसे अभी कितने कैंडिडेट्स हैं जो जग रहे हैं, खैर अब बाकी तो सो गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर आपको दो तीन बातें कहना चाहता हूं। मे आई, कैन आई, कैसे, अब किताब खत्म हो गई, अब तो हम जा रहे हैं, हम तो नहीं सुनने वाले। चलो कोई बात नहीं, 13 का आंकड़ा भी ठीक है, अगली बार कल 1500 का आंकड़ा पूरा करना है, प्रॉमिस कर रहे हो, कल की क्लास के अंदर 1500 अपने होने चाहिए, एनर्जी एकदम शानदार वाली होनी चाहिए आप लोगों का, प्रॉमिस रहेगा, ठीक है, डन। अरे कर तो दो यार, ऐसे क्या करते हो, मतलब हाँ नहीं बोल रहे हो, थम्सअप करो, कितने कैंडिडेट, अरे वाह शाबाश, थम्सअप हो रहा है नीचे, मतलब ध्यान नहीं दिया सर, आप देखते ही नहीं हो। अच्छा अंतिम डायलॉग रह गया, एक तो ये मैन विल बी मैन, मतलब यहां पर अंतिमा की जगह अंतिम होता तो शायद अपन नहीं कहते कि इसका इनका डायलॉग सुना हो, सुन लो, अंतिमा जी ने कहा कि मुस्कुराइए आप घर पे हो, मतलब पढ़ाई करे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो ना तो मुस्कुराते हुए पढ़ाई करो भाई, आप घर पे हो, है ना, ये इन्होंने मजाक मजाक में कहा है, बट कितना एकदम सेंसिबली फिट होता है, तो घर पे टेंशन लोड लेके पढ़ाई मत करो,
आराम से 10 दिन एंजॉय करते पढ़ाई करेंगे। आज के दोनों बेरेक समझ में आए हैं ना, बाकी के बेरेक भी मस्ती से समझ में आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस ये कि कनेक्टेड रहना। अब कुछ कैंडिडेट ने यूं डाउट करके रखा है, कंफ्यूजन। यार कंफ्यूजन तो आज क्लियर नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन की क्लासेस अभी है ही नहीं। अभी तो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, सॉल्यूशन पे दिमाग लगाओ। किस पे दिमाग लगाओ? सॉल्यूशन पे है जो दिमाग हमें लगाना है, ठीक है। बाकी के एक्ट भी धीरे धीरे करेंगे अपन, नो डाउट अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से, मस्त रहो, अच्छे से नींद सो जाओ। और कल सुबह 7:30 बजे यूट्यूब पर है, क्या करने वाला हूँ, 2013 का प्री स्पेयर, उसमें काम के सेक्शन, फालतू सेक्शन हटा दिए मैंने, काम के सेक्शन, उस पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल का सब्जेक्ट क्या होगा, आपकी कम्युनिटी पोस्ट आ जाएगी, लिंकिंग लॉ का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके सारी डिटेल। आप बस लिंकिंग लॉ से कनेक्टेड रहो यार, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात और कह रहा हूँ, ये बात थोड़ा सीरियसनेस के साथ, हंसी मजाक बहुत किया, इसलिए किया कि ताकि आप लोग का माइंड अच्छे से इस बात को ऑब्जर्व कर सके। लेकिन फैक्ट ये, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो अटेम्प्ट करना, छोड़ना मत, अटेम्प्ट जरूर करना, छोड़ना मत, एक बार प्रयास कर लो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इसी बहाने क्या होगा, कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करोगे, नया एक्सपीरियंस जो है वो क्या करोगे, गेन आप वहां पर डेफिनेटली करोगे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि यार सेल्फ स्टडी कर लिया लेकिन मजा नहीं आया, तो वहां पर आपको अच्छा कोचिंग कर लेना चाहिए यार, बुरा मत मानो, 1 साल वेस्ट करोगे अटेम्प्ट लगा के, इससे बढ़िया कि अच्छा कोचिंग करके अपना ट्रेन कर लो खुद को, कहीं पर भी करो, जहां पर आपका मन कहता है वहां पर करो, बट कर लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। और आपको ये लिंकिंग वाला स्टाइल अच्छा लगता है तो मोस्ट वेलकम, लिंकिंग 10 अप्लाई करो, आ जाओ, ये करेंगे धूम धूम धनाधन वाला गेम खेलेंगे इसी के साथ में, अच्छे तरीके से एकदम डील करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, तो आज दीजिए मुझे इजाजत। सो दैट्स ऑल फॉर नाइट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल मॉर्निंग 7:30 बजे फिर मिलूंगा आपसे इसी हेलो नमस्कार इसी एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, अरे पार कर ले आरजे स्प्री जैसे तैसे, और खुद इंटरव्यू आके पूछे तुझसे कि तुझे फेल करूं तो मैं करूं कैसे। चलिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच। फीडबैक फॉर्म अच्छे से भरना, थैंक यू ना, खुद के मोबाइल में लेकर रखना मत, ठीक है। लिंकिंग लॉज अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहां पर जो प्रोफाइल पिक रखता हुआ चेहरा आपको मेरा दिख जाएगा, उस प्रोफाइल पिक के आपको स्क्रीनशॉट मैसेज करना है, ठीक है। बाकी सारी बातें क्या बताऊं आपको, जुडिशियल लिंकिंग का बैच अपना चल रहा है, मस्ती से जानना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, मस्ती से कर लो। किसी को सजेस्ट करना चाहता है बेझिझक कर देना, आप जिसको सजेस्ट करोगे वो आपके पास आके थैंक यू ही बोलेगा, कभी ये नहीं कहेगा कहां फंसा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला है, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं, ऑडियो कॉल वगैरह अभी बात बता कि मैं भी थक चुका हूँ, इतनी बातें बता दी। लिंकिंग 10 इसको मत भूलना, हाँ ये बहुत जरूरी भाई, ताकि जो आने वाले मॉक इंटरव्यू वगैरह होंगे ना, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। सारे बैचेस आपका उसके अंदर आपको लिंक मिल जाता है, एंड दैट्स ऑल स्पेशल क्लास जैसी आज की हुई है, ऐसी और क्लास भविष्य में जरूर करेंगे। बस इतना चाहता हूँ, लिंकिंग टॉक के चैनल से कनेक्ट हो जाओ, फीडबैक देखे जाना, प्रोफाइल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्रोफाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ताकि जितने भी सेगमेंट आपको मिल जाए अच्छे से, कोई भी चीज में लेके आऊंगा तो आपको स्पेशल नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। सो दैट्स ऑल, अब थम्स अप देके इजाजत दे दो एक बार, अब एक बार थम्स अप कर दो, फिर आप लोगों की इजाजत चाहूंगा। और लिटरली ऑनेस्टली दिल से आत्मा से यार लव यू दिल से कह रहा हूँ, है ना, मतलब मन खुश हो गया यार। वो क्या था गाना, पता नहीं क्या था, बिन तेरे क्या है जीना, तो बिन तेरे क्या है पढ़ाना, इतना मैं बार बार सबको जरूर कहूंगा, बिन तेरे क्या है पढ़ाना। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, ग्रेट।